जय मसीह की। वेलकम टू क्रिएटिव माइंड 79 चैनल। गाइस आज हम बनाएंगे कच्चे आम की सब्जी, जिसको गुड़म्बा भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा तेल गरम किया, उसके अंदर जीरा डाला है। जीरे को हल्का सा लाल होने देंगे इस तरीके से, और फिर उसके अंदर हम तेज पात डालेंगे। फिर हम गाइस क्या करेंगे, थोड़ा सौंफ और धनिए को ब्लेंड कर लेंगे, उसको मिक्सी में पीस लेंगे। एक दरदरा सा पाउडर बनाकर हम इसका तैयार करेंगे। ये सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू देता है और टेस्ट देता है। तो लीजिए गाइस, मैंने एक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी हल्का सा पकाएंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी मीठी मीठी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें गाइस लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे और इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि मिर्च कच्ची कच्ची सी ना रहे और मसाला थोड़ा सा पक जाए। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी सी इसका स्वाद आता है। जब ये अच्छे से थोड़ा पक जाए, तब हम इसके अंदर अपने कटे हुए कच्चे आम को डाल देंगे। गाइस मैंने इनको छिलकों के साथ डाला है, आप चाहे तो छिकल उतार के डाल सकते हैं। फिर हम इसके अंदर गाइस चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको हल्का सा ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद गाइस इसको हम पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं पानी इतना ही डालूंगी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, हल्की सी गाढ़ेपन पे रहती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। गाइस ये सब्जी बिना रोटी के भी खाई जाती है और ये बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से गाइस आप कच्चे आम की सब्जी बनाएं। मैंने इसको ज़्यादा ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखा है, ठीक ठीक पानी डाला है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। एक हल्का सा मीठा सा नमकीन सा टेस्ट इसके अंदर आ रहा है। जो सौंफ और धनिया पाउडर को पीस कर इसके अंदर डाला है, उसका बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो गाइस इस तरीके से आप सब्जी बनाइए। बहुत ही ईजी मेथड के साथ मैंने आपको सब्जी बनाना सिखाया है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।